अच्छा बच्चों, आज जो है ना 2023 का मैथ का पेपर हम सॉल्व करते हैं। मैथ का बहुत आसान एमसीक्यूज आए हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से ही आया, दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल बताएं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है जीरो, और ए बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। तो ये डेफिनेशन भी है, तो इसका ऑप्शन बी है जी। क्वेश्चन नंबर टू है, अगर अल्फा बीटा मसावात हो तो 7x² माइनस एक्स प्लस 4 के रूट्स होंगे, ठीक है। तो रूट्स हों तो अल्फा बीटा बराबर होगा, आपने पढ़ा था सम ऑफ और प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी ओवर ए, तो सी इसमें 4 है और ए इसमें 7 है, तो इसका ऑप्शन क्या बन गया फिर, सी ओवर ए 4/7 बी ऑप्शन जी। अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ सिंपल वजाफ कर लेना है एलसीएम, तो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जी। 4 वाला है एक्स वाई, ठीक है, तनासब वी और डब्ल्यू। तो मैं चौथा तनासब क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, तो वो आपको पता ही है किस तरह निकालते हैं। पहले लास्ट को मल्टीप्लाई वसनी, वो आप क्या करते हैं कि एक्सट्रीम और बराबर होता है वस्तीन, दोनों को मल्टीप्लाई करके मीन को, तो आप निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा वी वाई ओवर एक्स ऑप्शन ए जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, तनासब ए बी सी डी में ए और डी कहलाते हैं। तो ये बच्चे पहला और आखिरी है, तो ये तरफैन होते हैं जिन्हें एक्सट्रीम कहा जाता है, तो ये आपका सी ऑप्शन है जी। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 6, कसर जिसमें शुमार कुनिंदा ऊपर वाले का, शुमार कुनिंदा ऊपर वाले का दर्जा मखरज नीचे वाले से ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाती है, ये भी डेफिनेशन है, तो ये बच्चे आपकी गैर वाजिब कसर कहलाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है जी 7, खाली सेट का पावर सेट क्या होता है। तो आपको पता है पहला तो वैसे खाली सेट है, दूसरा तो दूसरा इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, तो वो खाली सेट का पावर सेट इसमें ऑप्शन बी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर ए सबसेट है बी का तो ए और बी में इंटरसेक्शन क्या होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन ए होगा, ठीक है जी, तो वो ऑप्शन आपके पास आ जाएगी ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी औस तब्दील करने से असरअंदाज होते हैं, ठीक है, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन। तो वो बच्चे हमारे पास कीमत नस्बत माखूज या जगह, तो माखूज या ओरिजिन चेंज करने से उसका असरअंदाज होता है, तो ऑप्शन सी जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके बाद तदी तकसीम की शिकाल में मुआद कहलाता है, डाटा इन द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, तो वो ग्रोही मुआद कहलाता है, 20° बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, तो बच्चे इसको जब हम मिनट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 आपके पास, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसको 60 के साथ वो मल्टीप्लाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दायरा कितने गैर खती निकाल से गुजरता है, ये आपका थ्योरम भी है, तो वो 3 गैर खती निकाल से गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, आपके पास दायरे के कुतर के सिरों पर खींचे गए ममास आपस में होते हैं, तो वो दोनों बराबर होते हैं मतवाजी। इसके बाद है 14, एक दायरे में वितर और रदास की लंबाइयाँ बराबर हों तो दायरे से बनने वाला मरकज़ पर जाविया होगा, तो वो 60 होता है। उसके बाद है 15, दायरे का मुहीत कहलाता है, तो जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है वो बाउंड्री या सरहद कहलाता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।